नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक का मतलब होता है बुक्स, यानी कि आपके अकाउंटेंसी बुक, और कीपिंग का मतलब होता है उसका देखरेख करना। यानी बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। यानी जितने ट्रांजेक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं उनको सही ढंग से रखना बुक कीपिंग कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन जब आता है तो इक्वेशन किसमें होता है बेटा, मैथमेटिक्स में होता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, इट इज शोज द एसेट्स इज इक्वल टू सम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज शोज द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इक्वल टू सम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। आगे हम बताएंगे आपको एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया था, रिकॉर्डिंग समराइजिंग एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आपका सेकेंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग, और आपका थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? ओके, फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट आर थ्री टाइप्स। अकाउंट आर थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज री